क्योंकि जितनी आईसियाँ होती हैं ना फ़ोन के अंदर ही सारी हीट जनरेट करती हैं जब इनका यूज़ होता है तो। ठीक है, ये फ़ोन का प्रोसेसर होता है, आपने सुना होगा क्वालकॉम प्रोसेसर, मीडियाटेक प्रोसेसर, आज दोनों दिखाऊंगा आपको मैं। इसे बोलते हैं प्रोसेसर, ये भुंडी शक्ल का है ना, इसे बोलते हैं भाई क्वालकॉम का प्रोसेसर। देखिए इसमें लिखा ना, सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री, बिट टू सर से। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठेगा आज की वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए कभी भी आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर ठीक करा कर लेकर आते हैं तो आपने कंप्लेंट भी की है मेरे को, काफ़ी कमेंट में भी आपने बताया है कि मेरा फ़ोन गर्म होने लगा है, मैंने 3 दिन पहले ठीक कराया था, किसी ने कहा मैंने हफ्ते पहले ठीक कराया था, किसी ने बोला भैया डिस्प्ले चेंज कराइए जब से गर्म हो रहा है। तो अब आप एक चीज़ पर ध्यान देना दोस्तों, आप अगर इन बातों पर ध्यान दोगे तो आपका फ़ोन फिर गर्म नहीं होगा, ठीक ही रहा करेगा। देखिए गर्म होना होता क्या है, मैं पहले आप ये समझ लीजिए, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है, अब गर्मियों में आप धूप में खड़े हो, अगर फ़ोन चलाओगे तो भाई गर्म होगा वो, ठीक है, कम से कम 50% तक तो गर्म होगा अगर धूप में खड़े होकर अगर आप चलाओगे तो। क्योंकि जितनी आईसियाँ होती हैं ना फ़ोन के अंदर ही सारी हीट जनरेट करती हैं जब इनका यूज़ होता है तो। ठीक है, ये फ़ोन का प्रोसेसर होता है, आपने सुना होगा क्वालकॉम प्रोसेसर, मीडियाटेक प्रोसेसर, आज दोनों दिखाऊंगा आपको मैं, इसे बोलते हैं प्रोसेसर, ये भुंडी शक्ल का है ना, इसे बोलते हैं भाई क्वालकॉम का प्रोसेसर। देखिए इसमें लिखा है ना क्वालकॉम, क्वालकॉम और एक नंबर भी लिखा है MSM 8916, ये प्रोसेसर है। आपको जो टीवी में दिखाया जाता है ना, इंटरनेट पे दिखाया जाता है ब्लू कलर के और उनमें लाइटें होती हैं, वो ऐसे नहीं होते भाई, ये प्रोसेसर हर फ़ोन में ना ऐसे भुंडी शक्ल का ही होता है। इसमें भी देख लीजिए आप Vivo Y11 में, ये है MediaTek का, यहाँ पर देखिए आपको नाम नज़र आएगा MediaTek लिखा हुआ, MEDI दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ना, MediaTek लिखा हुआ, ये प्रोसेसर है Vivo Y11 का, इसमें लगाया MediaTek का 6MT6765। ठीक है, ये प्रोसेसर हो गया। देखिए आपको मैंने पहले आपको कुछ बातें बताई हैं, अगर धूप में हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे धूप में हम बात कर रहे हैं, हमें हो गए भाई साहब 10 मिनट बात करते करते, तो फ़ोन गर्म होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या गेम खेल रहे हैं तो भैया ज़्यादा अगर धूप में बैठ के हम गेम खेल रहे हैं या फिर गर्मी में खेल रहे हैं तो फ़ोन गर्म होगा, गर्म होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इससे टेंशन मत लिया करो, ज़्यादा गर्म अपनी गलतियों से ही होता है। ठीक है, जैसे किचन में खड़ी हुई लेडीज़ें बात करती हैं, खाना भी बन रहा है, खाने की गर्मी भी है, गैस की गर्मी है, उसमें उस कंडीशन में हम फ़ोन पे लगे हुए हैं 5-5, 10-10 मिनट, तो गर्मी से बचें, बस यही उसका एक इलाज है। बाकी देखिए मैं आपको हार्डवेयर तरीके से बता देता हूँ फ़ोन गर्म होते क्यों हैं, है ना, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं कि यार फ़ोन गर्म ही क्यों होते हैं। देखिए फ़ोन गर्म होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि एक CPU होता है हर बोर्ड में, ये भी किसी एक फ़ोन का मदरबोर्ड है, ये भी एक अलग मदरबोर्ड है, मैं इन दोनों में बता देता हूँ। कभी भी काम जब हम फ़ोन में कुछ भी काम करते हैं ना, तो उस काम को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेसर लगाया जाता है, जो कि बहुत मेन पार्ट होता है किसी भी मदरबोर्ड का, किसी भी फ़ोन के लिए, यही पूरा ही एक फ़ोन है, इसको फ़ोन समझ लीजिए, बाकी तो बैटरी और डिस्प्ले होती है फ़ोन में और कुछ नहीं। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है। अब इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, ये प्रोसेसर हीट जनरेट करता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ये ध्यान रखना। कभी भी हम जैसे 3-4 ऐप या फिर 10-12 ऐप हमने खोल के रख रखी हैं और हमें पता ही नहीं है, रिसेंट का बटन दबा के हम चेक ही नहीं करते उसको कि कौन कौन सी ऐप हमारी खुली हुई है, इंटरनेट हमारा चल रहा है और भाई साहब लगे हुए 10-10, 20-20 ऐप को साइड में करते गए, अलग खोलते गए, उसे प्रॉपर बंद ही नहीं किया, तो भाई CPU अपना काम करता रहेगा, ये उन सारी ऐप को चालू रखता है और गर्म होता रहेगा। और MediaTek का प्रोसेसर लगा है तो ये भी गर्म होता रहेगा जब इसमें हम कुछ ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे तो। क्वालकॉम के बारे में बता देता हूँ, पहले तो क्वालकॉम का जो CPU होगा ना, एज़ कम्पेयर टू MediaTek Helio जो होता है, ये MediaTek का इसमें प्रोसेसर है, इसके मुकाबले में है ना ये क्वालकॉम वाला ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि MediaTek का जो CPU होता है ना, ये थोड़ा मजबूत वाला होता है भाई, थोड़ा हार्ड होता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कम गर्म होगा, क्योंकि गेमिंग वगैरह के जो फ़ोन होते हैं ना, उनमें भी MediaTek के CPU ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, MediaTek Helio आपने सुने भी होंगे, G70 MediaTek Helio का बहुत अच्छा प्रोसेसर है, गेम वगैरह हैवी गेम खेल सकते हैं उनमें, अगर इसमें क्वालकॉम CPU जिसमें लगा हुआ है, प्रोसेसर जिसमें लगा हुआ है, इसमें अगर हम गेम यूज़ कर लेते हैं, गेम चला लेते हैं, तो भाई उससे आपका फ़ोन गर्म होना जाहिर सी बात है गर्म होगा। और देखिए अब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत, मैं आपको कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ, फ़ोन गर्म क्यों नहीं होगा आपका, कैसे नहीं होगा। आप देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे
कि आपको वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों चीज़ें ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अगर काम करती रहेंगे ना तो आपकी जो मीडिया आईसी होगी ना वो बराबर गर्म होती रहेगी। एक वाईफाई आईसी होती है मोबाइल के अंदर, वो बराबर गर्म होती रहेगी और ये सीपीयू उसको बंद कर अपने आप बंद नहीं करेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे। तो अगर कोई कंपनी वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, कोई इंजीनियर साहब देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, मेरा भी 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि प्रोसेसर के अंदर कोई ऐसी कमांड दे दी जाए जिससे कि 15 से 20 सेकंड में अगर कोई वाईफाई कनेक्ट हम नहीं करते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसको ऑफ़ कर दे। बहुत फ़ायदे में रहेगा इससे, मतलब उस कंपनी का फ़ोन और अच्छा चलेगा और वो इस चीज़ को बताए कि हमने अपने फ़ोन में ये मॉडिफिकेशन की है, तो उसका जाहिर सी बात है फ़ोन और अच्छा चलेगा। तो ये कोई भी कंपनी करके नहीं देती है, अगर वाईफाई ऑन है तो वो ऑन ही है, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो प्रोसेसर में ऐसी कमांड डाल दी जाए कि वो वाईफाई आईसी को बंद कर दे काम कराना उसका, या ब्लूटूथ का अपने आप बंद कर दे। ऐसा पॉसिबल भी होता है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल है भाई। क्योंकि देखिए आपने वो देखे होंगे ब्लूटूथ नेकबैंड, ब्लूटूथ देखे होंगे उनमें, अगर आप होता है ना कि 5 से 10 मिनट अगर कनेक्ट ना करो तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें वो प्रोग्रामिंग की गई है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो होगी प्रोसेसर की बात, आपने मीडियाटेक का प्रोसेसर देख लिया, आपने क्वालकॉम का प्रोसेसर देख लिया, ये हर मदरबोर्ड में लगे होते हैं प्रोसेसर, और यही सारी आईसीयों को मैनेज करते हैं, सबको क्या कमांड देनी है, किसको क्या काम करना है, किस टाइम पे हम जो भी कुछ टच करते हैं ना मोबाइल में, तो ये प्रोसेसर सबसे पहले समझता है, उसके बाद ये उस आईसी को कमांड देगा कि भाई तेरा काम आ गया है, अब तू ये वाला काम कर, तो ये प्रोसेसर ही बताता है, ठीक है। अब ये प्रोसेसर ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए कुछ सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए कभी भी चार्जिंग में लगा कर गेम मत खेलना, ठीक है, और चार्जिंग में लगा कर बात नहीं करनी, अगर ये काम करेंगे तो भैया फिर तो फ़ोन गर्म होगा। और देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कंपनी वाले एक छोटी सी चीज़ लगाकर फ़ोन में ना देना तो भाई साहब आपसे फ़ोन पकड़ा भी ना जाए, इतना तेज़ गर्म हो जाए। कंपनी वाले हैं देखिए ये पेस्ट लगाकर देते हैं सीपीयू के पीछे और पावर आईसी के पीछे, ये मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है वो टच होगा इस पे, और जो पावर आईसी वगैरह है उसके ऊपर भी पेस्ट लगा होता है, और इसको जब हम टच करेंगे ना दोस्तों, तो ये जो प्रोसेसर है प्रोसेसर को ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने आपको छुटाकर दिखाया, ये हीट रेजिस्टेंस पेस्ट होता है, ये हीट को एग्जॉर्ब करने के लिए होता है, जो कि कंप्यूटर के सीपीयू के ऊपर भी लगाया जाता है, आपने देखा हो तो, जिस भाई को नॉलेज होगी, जिस भाई ने देखा होगा ना वो बता देगा, ये प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए होता है। अब काफ़ी दुकान वाले पता क्या करते हैं, जानबूझ के इसको हटा देंगे, इसको लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, वो इसको लगाते नहीं, वो इसलिए नहीं लगाते कि 15-20 दिन बाद है ना कस्टमर दोबारा आएगा, कहेगा भैया फ़ोन गर्म हो रहा है, उस वक्त फिर उसको कह दिया जाएगा भाई तेरी या तो बैटरी ख़राब हो गई है या फिर बोर्ड में कोई दिक्कत आ गई है। तो इसीलिए कभी भी आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जब जाएँ ना तो उसको बोल दीजिए भाई मेरा फ़ोन ठीक तो कर रहा है मगर गर्म नहीं होना चाहिए, भाई साहब ये बता देता हूँ पहले, अभी गर्म नहीं होता है मेरा फ़ोन। कभी तो बाद में बोले कि भाई फ़ोन ठीक करने के बाद कि भैया ये तो गर्म होगा, दिक्कत आएगी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए गर्म होने के कारण कई दुकान वाले क्या क्या चालाकियाँ कर देते हैं, एक तो ये मदरबोर्ड अगर आपका ओरिजिनल निकाल कर लोकल इसमें डाल दिया जाए तो भी फ़ोन गर्म होगा, और चार्जिंग जैक अगर लोकल डलवा लिया आपने तो भी आपका सेट गर्म होगा, क्योंकि ये लोकल चार्जिंग जैक जो होगा आपका चार्जर लगाते वक्त गर्म होगा ज़्यादा, इसकी वजह से भी गर्म हो सकता है, और बैटरी अगर आपकी लोकल लगी हुई है फ़ोन में तो बैटरियां भी गर्म हुआ करती हैं भाई अगर हो तो, कई चीज़ें फ़ोन में गर्म होती हैं, तो आप खाली एक प्रोसेसर पे ही सब कुछ ना इल्ज़ाम दें, ये सारी चीज़ों का हल यही नहीं है कि खाली ये प्रोसेसर ही गर्म होता, भाई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप हमारी गलतियों से ये चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। मेरा ख्याल है आपकी समझ में कुछ आया होगा दोस्तों कि हमारा फ़ोन क्यों गर्म होता है। हमें एक तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हैं तो भाई साहब प्रॉपर ऐप को आप बंद कर दीजिए, वरना आप मल्टीटास्किंग वाला फ़ोन खरीदिए जो महंगा आता है, उनमें इनके मीडियाटेक हीलियो के बड़े बड़े प्रोसेसर लगे होते हैं हैवी, उनमें आप कर सकते हैं। अब अगर आप ले रहे हैं 10,000 से नीचे का फ़ोन कोई, तो उसमें भाई साहब आपका प्रोसेसर कोई हार्ड तो लगा नहीं होगा, हल्का फुल्का ही लगा होगा, क्वालकॉम का भी लगा होगा, मीडियाटेक का भी लगा होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा होता है मगर वो हल्की क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, उसे क्वाड कोर में बोल देते हैं, और कोर बोलते हैं सिंगल कोर डबल कोर। अब ये चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ की इस चीज़ की किस दिन मैं क्लास ही ले दूँगा भाई साहब, उसको खोल के पूरा बता दूँगा प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। और प्रोसेसर के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके मुझे बताना कौन सा प्रोसेसर का फ़ोन ख़रीदना चाहिए हमको, और किस पर्पज़ के लिए कौन सा प्रोसेसर ठीक होता है,
कौन सा मोबाइल हमें ख़रीदना है, अपने किस काम के लिए, उसे सारी बातें अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। बाकी कुछ सावधानियां आपको बस यही बतानी थी मुझे कि आप कभी भी चार्जिंग पे लगाकर अपने फ़ोन में ना तो गेम खेलिए और ना आपको बात करनी है फ़ोन पर, ठीक है। चार्जिंग से निकाल कर बैटरी को तसल्ली में चार्ज कर लीजिए, उसके बाद आप फ़ोन पे बात कीजिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी देर अगर हमारा कैमरा ऑन रहता है ना हमारा, तो रियर कैमरा जो अगर काफ़ी देर तक ऑन है तो भाई साहब उस कंडीशन में भी फ़ोन गर्म होगा आपका, है ना, क्योंकि प्रोसेसर उस काम में लगा रहेगा, जुट जाएगा उस काम में जो आपने कमांड दे रखी है उसको वीडियो बनाने की कैमरे को, तो उस कंडीशन में प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो हमारा जो फ़ोन गर्म होता है ना, कहने का मतलब मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, हमारा फ़ोन जब यूज़ करने पर गर्म होता है ना तो वो पूरा फ़ोन गर्म नहीं हो रहा होता, वो खाली प्रोसेसर गर्म होता है, इसके कारण ही हमारा पूरा सेट लगता है हमको कि पूरा फ़ोन गर्म होने लगा, तो हम घबरा जाते हैं। 50% तक अगर गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो आप तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर अगर हीट चली जाती है तो फिर आप थोड़ा सा उसको फ़ोन को आप दिखा सकते हैं कहीं भी जाकर, वो कोई पेस्ट वगैरह इस पर आईसी वगैरह पे लगा लेगा। नहीं तो एक और चीज़ होती है कि शॉर्टिंग, अगर कोई पार्ट्स है ना, सारे जो पार्ट्स हैं ना, इनमें से अगर एक आधा पार्ट्स भी अगर शॉर्ट होगा ना, कहीं ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तो भाई साहब तब भी वो गर्म हो रहा होगा और फ़ोन गर्म होने लगेगा आपका, और सीपीयू उसको उस पार्ट्स के द्वारा नाराज़ होकर और ज़्यादा तेज़ गर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ सावधानी रखनी होती है। मोबाइल रिपेयर वाले काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं, रिपेयर करके दे देते हैं, वो कुछ पार्ट्स जो शॉर्ट होते हैं उनको चेक नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक किया करो दोस्तों। फ़ोन आपका क्यों गर्म होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप कभी भी अपना फ़ोन ठीक कराएं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों इसी वीडियो में है ना एक बोनस पॉइंट आपको दे देता हूँ, देखिए अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा हो ना तो आप पता क्या करेंगे, आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा मैंने मल्टीटास्किंग कौन कौन सी ऐप खोल रखी है या बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप खुली हुई है, तो भाई साहब आप एक काम करना, अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट मतलब समझते होंगे ना आप, बंद करके ऑन करना है। रिस्टार्ट करने के बाद 10 मिनट उसको ऐसे ही रख दीजिए साइड में, फ़ोन अपने आप आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जितनी बैकग्राउंड में ऐप होंगी वो सारी अपने आप ही बंद हो जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लिया करो दोस्तों, आप टेंशन लेते हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मैंने आपको प्रोसेसर दिखा दिए, ये कांच वाँच के नहीं होते जैसे वो वीडियो में दिखाए जाते हैं ना, कांच के प्रोसेसर दिखाए जाते हैं, सुतरे सुतरे लगते हैं बहुत अच्छे, ये बूंदी शक्ल के ऐसे होते हैं काले काले प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है, ये गर्म होते हैं भाई। अब गर्म तो ये होंगे, मान लो आप एक ही साथ व्हाट्सअप चला रहे हो, उसी में आप गेम खेल रहे हो, उसी टाइम पे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे भी लगे हुए हो, बहुत सारी आपने इंटरनेट पे ऐप खोल रखी हैं, बहुत सारी साइट आप देख रहे हो वीडियोज़ वाली साइट, ठीक है। तो ऐसे में तो भैया प्रोसेसर का फिर सर में दर्द हो ही जाएगा, वो गर्म तो हो ही जाएगा। अब ये प्रोसेसर गर्म होगा तो भाई साहब पूरा बोर्ड ही गर्म होगा फिर आपका, और पूरा बोर्ड गर्म होगा तो फिर वो हीट जनरेट करेगा भाई साहब इस क्रोम पे, अब ये क्रोम गर्म होने लगेगा, उसके बाद साथ में बैटरी भी आपकी गर्म होने लग जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, आप उनका ध्यान रखिएगा, और भी मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो मेरी आपके सामने आ जाएगी, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।